प्राथमिक विद्यालय कटहा कन्या, पंचायत का नाम कटहा, प्रखंड मेहसी, पिपरा विधानसभा क्षेत्र, संख्या 17। पूरी व्यवस्थित जानकारी डिटेल में हम आपसे साझा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बिहार के गांव में सुशासन बाबू की सुव्यवस्था और विकास की जीती जागती तस्वीरें। बिहार में गांव की स्थिति कितनी बदतर है, ये कहानी उस कड़ी की एक और गांठ खोल देगी, जो राजधानी पटना में अफसर सरकारी फाइलों में दबाए बैठे हैं और जनता को कोरा झूठ रिपोर्ट के रूप में परोस रहे हैं। दरअसल जब हमारी टीम यहां विकास के दावों की जमीनी हकीकत देखने पहुंची, तो सारा का सारा माजरा खुल गया। किसी भी राज्य में विकास और मूलभूत सुविधाओं के पिलर होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और दैनिक जरूरियात की सुविधाजनक पूर्ति। नागरिकों को ये उपलब्ध कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा को महत्व देने का दावा करने वाली सरकार इस इलाके में कन्या स्कूल की हालत नहीं देख रही। उसकी बदहाली देखकर शायद आपकी आंखें ही खुल जाएं। प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। भवन की हालत कैसी है बताने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। जब कैमरा पर्सन अंदर की ओर जाते हैं, तो ये स्कूल कम बरसों से उजड़ा हुआ भूत बंगला ज्यादा लगता है। छत लटकी है, दीवारें फटी हैं, लिंटर में जगह जगह सुरंगों जितने छेद। इतना ही नहीं, आप तौबा तौबा कर लेंगे जब इस स्कूल के शौचालय की स्थिति देखेंगे, जिसे कोई इस्तेमाल करना तो दो, देखना भी न चाहे उसे यहाँ की छात्राओं के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। शौचालय में गेट का साइज कुछ यूं है कि किस किस की इज्जत का फालूदा निकलेगा, ये सोच कर ही बनाने वाले की सोच समझ पर शक हो जाए। ये तो बदहाली की बात रही, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खतरों के खिलाड़ी भी बन रहे हैं। वो कैसे बताते हैं। स्कूल के पहले माले पर जाने के लिए सीढ़ियों से गुजरना होता है। जिन सीढ़ियों से गुजरते हैं वहाँ रेलिंग तो है ही नहीं। रास्ता इतना स्पेशल, इतना शानदार कि आप ऊपर जाते जाते कब सीधे सड़क पर पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे बनाने वालों को जवाब देना चाहिए कि ये कौन सी इंटीरियर डिजाइनिंग है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील का भी प्रावधान है, लेकिन यहाँ सारे प्रावधान नाम मात्र के हैं। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सभी सुविधाएं नदारद हैं। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। ना बनता है कभी नहीं बनता यहाँ, मतलब कोई कुछ नियार नहीं है। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मास्टर आराम से बैठ के वेतन लेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। और दूसरी नंबर बात, खाना टाइम से नहीं मिलता है, मतलब जो समय जो अंडा उंडा का है ना वो नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ जो हॉस्पिटल का सुविधा है यहाँ एक भी नहीं है। मरीजी यहाँ से जाने के बाद मेहसी अगर दम तोड़ दे तो उसका बात अलग है, लेकिन यहाँ अपना इलाका में मतलब मेहसी के यहाँ कटहा भर में यहाँ नहीं है अस्पताल नहीं है। उसके अलावा बनिया शिक्षा देने वाला नहीं है स्कूल। ये विद्यालय मंदिर के पास बना है, एक तरफ आस्था का मंदिर तो दूसरी तरफ शिक्षा का मंदिर, लेकिन इस पूरे इलाके में गंदगी का अंबार है। ग्राउंड पर हम बिहार की बदहाली की लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। ऐसे में बिहार के विकास के सरकारी दावे अगर आपको सच लगते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अपने इलाके की किसी भी सरकारी संस्था में चले जाइए और गुणवत्ता की तराजू पर नापिए, आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी।